हाय दोस्तों, सो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि 3ds Max में हम लोग कैसे बनाते हैं जाली कटिंग या CNC या MDF बोर्ड। तो हाँ दोस्तों, 3ds Max में तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 3ds Max का एक ऑप्शन है वो यूज़ ना करके बहुत लोग गूगल से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं और उसको मटेरियल में जाके लगा देते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस जहाँ तक वो ठीक नहीं है, हम लोग बना के करते हैं विदाउट बाकायदा मेहनत करके बनाते हैं ताकि वो और अच्छा से सीन में इफेक्ट पड़े। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लेन ले लेते हैं और जाली कटिंग बेसिकली यूज़ होता है पार्टीशन में, जैसे लिविंग रूम का है तो उसमें पार्टीशन दे सकते हैं या फॉल्सिंग में भी बहुत लगता है जाली का डिज़ाइन, तो उस टाइप का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जाइए इसको ऑन करने के बाद, ये आपको बनाने के बाद हम लोग करेंगे जाएंगे इसमें। ये है पॉलीगन मॉडलिंग, इसमें हम लोग का एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडलिंग बनाने के बाद हम लोग कर देंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन में चेंज कर देंगे और यहाँ से ले लेंगे एज को पकड़ के हम लोग को पूरा को कर लेना है सिलेक्ट, या फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हो या फिर माउस से ड्रैग करके, दोनों ही प्रोसेस आप कर सकते हो फॉलो। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका थोड़ा डीप टाइप, हाँ इस तरीके से। उसके बाद आप क्या करोगे, हाँ कंट्रोल ए कर लीजिएगा, उसके बाद जनरेट ट्रोपोलॉजी में जाएंगे। इसमें देखिए बहुत सारा जाली का डिज़ाइन बनाया है, आप लोग इसमें से यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको इस टाइप का डिज़ाइन लेना है तो सिंपली हम लोग इसमें किए और ये इस टाइप का हो गया। इसका जो गैपिंग आ रहा है ये आपका जितना सेगमेंट ज़्यादा देंगे उतना वो बड़ा बढ़ाएगा डिग्री साइज का पिक्चर, और जितना आपका सेगमेंट कम रहेगा उतना स्मॉल आएगा। मान लीजिए ये करना है या ये करना है, सब अलग अलग टाइप्स का आ रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा मैक्स में रहता है, ऑलरेडी दिया रहता है, आप लोग क्या बोलते हैं गूगल से ना करके हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लीजिए हम इसको ले लिए, अब हम लोग क्या करेंगे पॉलीगन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा चीज़ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, क्या हुआ हम यूज करेंगे जस्ट इनसेट, इनसेट में गैपिंग आएगा इस कटिंग टाइप का और ये देखिए सीन ये साइड्स में आ रहा है, साइड में, बट हमारा जो हर एक लाइंस में या सेगमेंट में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे जब इसमें क्लिक कर देंगे तो वो सारा जगह में आ गया। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो इस टाइप का, फिर क्या करेंगे हम लोग एक्सट्रूड कर देंगे माइनस में और फिर डिलीट। इसमें ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है दोस्तों, ये बहुत इजी बन जाता है और बहुत सुंदर से ऐसे लगता है। इसमें हम लोग कलर थोड़ा अलग कर देते हैं, ये देखिए विदाउट ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं पड़ा इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, जस्ट एक बार में बन गया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो 3ds Max में, इसमें बहुत सारा चीज़ है। एंड आपको जो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊँगा जाली कटिंग के ऊपर ही दिखाऊँगा कि आप, ये तो जस्ट एक मैक्स का फिक्स टूल है ना, कितने ही इसी में ही जितना है उतना ही है, और आप चाहे तो एक्स्ट्रा अपना खुद का बना सकते हो, जैसे गूगल से इमेजेस लेके उसको हम लोग इमेज को कैसे 3D में करते हैं वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसको ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।